और असल में पिछले 6 दिन से रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई जारी है। हालात ये हैं कि लोग खाने पीने को तरस रहे हैं, वॉर कैजुअल्टी की फिगर लगातार बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन इस सब के बीच अब प्रेसिडेंट पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा कर दिया है, जो कि बहुत चिंताजनक है और इस पर यूएस ने भी चिंता जताई है। यूक्रेन को लेकर रशियन प्रेसिडेंट ने बहुत बड़ी धमकी दी है और पुतिन ने अपने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को अलर्ट पर रखा है और कभी भी हमले की चेतावनी दी है। तो यह अपने आप में बहुत चिंता वाली बात है, क्योंकि जिस तरह की तैयारी पुतिन कर रहे हैं ऐसी तैयारी पहले कभी नहीं देखी गई। यानी न्यूक्लियर वेपन्स को अलर्ट मोड पर रखने का ऑर्डर दे दिया गया है, कभी भी हमले के आदेश की स्थिति में उसे रखा गया है। पुतिन ने कहा है कि अगर किसी ने रूस को रोका तो उसके परमाणु हथियार तैयार हैं हमले के लिए। यह पुतिन की चेतावनी। दूसरे देशों ने यूक्रेन में सेना भेजी तो रूस किसी भी हद तक जाएगा। यह उन देशों को चेतावनी, नेटो और यूएस जैसे देशों को चेतावनी। न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देना, न्यूक्लियर फोर्स स्टैंड बाय मोड में रखने का सीधा मतलब है कि पुतिन के दिमाग में यूक्रेन के आगे का भी प्लान चल रहा है। और इस बात को तब और ज्यादा हवा मिली जब बेलारूस ने भी पुतिन की बात को आगे बढ़ाया है। और कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट की माने तो बेलारूस अपने नॉन न्यूक्लियर आर्म्स के दर्जे और न्यूट्रल रहने के फैसले को खत्म करने जा रहा है, यानी कि न्यूक्लियर वॉर का एक चेन भी शुरू हो सकता है। यही सबसे बड़ी चिंता है। ऐसी खबरें हैं कि बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पुतिन को रशियन न्यूक्लियर मिसाइल बेलारूस में ही तैनात करने के लिए इजाजत दे दी है, ताकि जरूरत पड़ने पर वहीं से अटैक किया जा सके। बेलारूस यूक्रेन का पड़ोसी है और बेलारूस की तरफ से कहा गया है कि जो सैंक्शन क्रेमलिन पर लगाए जा रहे हैं वो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। ये बेलारूस का बयान, बेलारूस जो रूस के पक्ष में खड़ा है। और कुछ दिन पहले ही पुतिन ने स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि जो भी हमें रोकने की कोशिश करेगा तो यूक्रेन को ऐसा अंजाम भुगतना पड़ेगा जो दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। तो पुतिन के ये बयान देखिए किस तरह से साफ साफ संकेत हैं कि वो एक न्यूक्लियर वॉर को इनिशिएट करने की पूरी तैयारी करके बैठे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।